तक्षशिला एकेडमी में आपका स्वागत है और आज वैकेंसी आई हुई है मणिपुर में। वैकेंसी कौन सी है? मणिपुर जुडिशियल सर्विस ग्रेड वन की वैकेंसी है। स्केल ऑफ पे 51,550 से लेके 63,070 तक का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस सैलरी। और बाकी अलाउंसेस तो आपको पता ही है, जुडिशरी में कितने सारे अलाउंसेस होते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैम ने, उसका लिंक आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। और ये HJS की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको 30 केसेस का इशू नहीं है, बट एक ही हल्का सा कैच है कि मणिपुरी आपको आनी चाहिए, बट उसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मणिपुरी का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लास्ट डेट इसकी 19/1/2024। तो अभी आपके पास 7 डेज है फॉर्म फिल करने के लिए। वैकेंसी मैंने आपको बता दी, एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड वैकेंसी है, पे स्केल बता दिया। एलिजिबिलिटी, आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 19/1/2024 को, और मणिपुर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि मणिपुरी आपको आनी चाहिए। एज आपकी 35 साल से अधिक और 45 साल से कम होनी चाहिए 19/1/2024। सब चीजें 19/1/2024 को काउंट होंगी, जो कि एग्जाम की लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। देन एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होंगी। एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1700 और SC/ST में 1200। यहाँ पे SC/ST को, क्योंकि अनरिजर्व्ड वैकेंसी है, सिर्फ यहीं पे बेनिफिट मिल रहा है, बाकी जगह पे बेनिफिट नहीं होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वैकेंसी है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एक रिटन एग्जाम होगा, देन आपके वाइवा होगा, और इसके बाद में वाइवा के और रिटन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मणिपुरी के जो फाइनली आपका सिलेक्शन है, मणिपुरी का योगदान जो है वो आएगा आपका वाइवा के केस में, वहां पे आपकी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की नॉलेज को चेक किया जाएगा। तो अगर आप अभी भी चाहें तो आप इस जो मणिपुरी है इसको सीख के आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइम बहुत है। देन जो इसका सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप हम इसी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल या हमारे ऐप में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? पेपर आपके 3 पेपर होने वाले हैं रिटन में, यहाँ पे कोई भी प्री पेपर नहीं होगा, तो ये एक अच्छी बात है, प्री का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। देन इसमें एक पेपर आपका जो पहला पेपर है वो उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, जिसमें आपको 3 घंटे का पेपर होगा, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, एक्सप्रेशन ऑफ लॉ एंड जनरल इंग्लिश इंक्लूडिंग एसे राइटिंग, लीगल टॉपिक्स के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये आपका पहला सिलेबस। देन लॉ पेपर 1 का सिलेबस है आपका TPA सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC एविडेंस एक्ट, पीनल कोड, देन लिमिटेशन एक्ट, ये आपका लॉ पेपर 1 का सिलेबस है। लॉ पेपर 2 का भी 100 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का पेपर, जिसमें जजमेंट राइटिंग होगी, लीगल थ्योरीज ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस और प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका पेपर 3 पेपर, इसके बाद में वाइवा। अब आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम आसान आएगा, एग्जाम HJS का जिस लेवल का आ रहा है उसमें ज्यादातर वैकेंसीज अनफिल्ड रह जा रही हैं, क्योंकि 7 ईयर की प्रैक्टिस होने के बाद में ज्यादातर लोग उस तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से एक फ्रेशर स्टूडेंट होता है, और जो कर ले जा रहे हैं वो उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। तो करने वालों के लिए यहाँ पे कभी भी उनकी हार नहीं होती, और जिनको नहीं करना है उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहेगा। तो अगर आप वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, दोबारा मैं आपको बता दूं, इसका जो लास्ट डेट है 19/1/2024 है। तो वीडियो को रखते हैं इतना ही, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। जिसका इसके अतिरिक्त भी जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ऐप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
जिससे आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप की जो लॉ की वैकेंसीज है वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।